हेलो दोस्तों, आज हम अप्पू के साथ 2.5 साल इस पाठ के लिए शब्दार्थ करेंगे, जिसमें मुख्य शब्दार्थ आज मैं आपको बता रही हूँ कालखंड होता है समय का एक हिस्सा। स्थगित होता है रुका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी जब हम कर देते हैं, पोस्टपोन से कहा जाता है। भाड़े पर, किराए पर जब कोई वस्तु या सामान लिया जाता है उसे भाड़े पर कहा जाता है। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता या तारतम्यता। शॉट्स दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज़ की रिकॉर्ड करने वाला, जो आवाज़ को रिकॉर्ड करता है उसे साउंड रिकॉर्डिस्ट कहा जाता है। पुकुर यहाँ पर पोखर को कहा जाता है, यानी एक तरह का तालाब जो होता है, छोटा तालाब, उसे पोखर कहा जाता है। नवागत होना किसी क्षेत्र या नए विषय को जानना। किसी भी क्षेत्र में जब आप नए आते हो तो उसे नवागत होना कहा जाता है। नदारद है गायब या खो जाना। भात, पके हुए चावलों को भात कहा जाता है। बॉयलर, रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है उसे बॉयलर कहा जाता है। वास्तुसर्प क्या है? वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है, मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता या बांग्ला में जो है वास्तु सर्प कहा जाता है। ये है हमारे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के शब्दार्थ। आशा करते हैं आपको सभी वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।